विवेचना के पूरा इंडेक्स बना हुआ है, विवेचना एफआई आर के चार्जशीट पर कैसे कैसे की जाती है, नकल फर्म कैसे की जाती है, नक्शा तरीके से की जाएगा या चार्जशीट कैसे लिया है, उसके साथ उसका नमूना भी दिया गया। देखिए एक विवेचना ट्रेन नाम से एक एप्लीकेशन तैयार किया गया है, ये अमूमन प्रॉब्लम आ रही थी थानों ट्रेन में कि विवेचना की क्वालिटी जो है उस पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि विवेचकों के अनुसार कि उनकी ट्रेनिंग ढंग से नहीं है या फिर वो अपने जो साथी विवेचक हैं उनसे उनको पूछना पड़ता है विवेचना करने के पहले। तो इसको देखते हुए एक विवेचना की SOP तैयार कराई गई, उसके वीडियोज तैयार कराए गए, उसको FIR से लेकर चार्जशीट तक सारा उसमें डिटेल तैयार कराया गया, इसमें सारा राइटअप भी है, प्लस उसमें जो नमूने भी दिए गए हैं कि FIR किस तरह से हो, फर्द किस तरह से लिखी जाए, चार्जशीट किस तरीके से लिखी जाए, नमूना नक्शा नजरी किस तरह से किया जाए, ये सारी चीज़ें उसमें विवेचक को बताया गया है। और विवेचकों को ये ऐप उनके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद में विवेचना जब भी वो करें तो इसमें कभी भी वो उसको दे सकते हैं, सीख सकते हैं। हमारी कॉस्टमरी भी जो है विवेचनाओं को जब चाहे तब दे सकती है, वीडियो दे सकती है, उसका राइटअप दे सकती है, इस तरीके से सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। और निश्चित ही इससे विवेचन क्वालिटी इम्प्रूव होगी। एटा जिले में इसका पायलट प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं और जैसे ये सक्सेस होता है तो उसके बाद में फिर इसको रोचित करके बताया। इसके अलावा कि और भी जिलों में अभी चालू हुई, सिर्फ एटा में ही शुरू किया आपने? अभी इसको एटा में ही हमने शुरू किया है और एटा में जैसा रिस्पॉन्स होगा हमारे सब इंस्पेक्टर्स का, हमारे कॉन्स्टेबल्स का, उसके बाद में फिर इसको परिपक्व करके फिर इसको शुरू किया।